Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the articles. Finally we are now, maybe today or tomorrow we are going to finish this one, okay? Then articles, this one our last part of speech. Then let's start it. Okay, then here, what are articles? Then article are words that define a noun as specific or अनस्पेसिफिक. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. देन आर्टिकल क्या है? हम लोग का वर्ड है जो डिफाइन करता है नाउन स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है, उसको डिफाइन करता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे. आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पार्टिकुलरली गुड. तो यहाँ पे द और ये है द कप. तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग का ये यूजिंग द आर्टिकल द, यहाँ पे द हम लोग का है, ये स्पेसिफिक डे के बारे में डिस्कस कर रहा है और स्पेसिफिक कप ऑफ टी के बारे में बता रहा है. देन यहाँ पे हम लोग जान पा रहे कि एक स्पेसिफिक डे और स्पेसिफिक कप ऑफ टी है जिसके बारे में यह डिस्क्राइब किया है. देन आफ्टर ए लॉन्ग डे ए कप ऑफ टी टेस्टेड पार्टिकुलरली. तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग का हो जाता है ए और ए, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो ए यूज क्या है वो अनस्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता रहे हैं. तो ये हो सकता है कि कोई भी दिन का बारे में बता रहा है या कोई भी कप ऑफ टी के बारे में बता रहा है. तो इसके बारे में हम यहाँ से जान सकते हैं कि अगर हम ए डाल रहे हैं उसका मतलब ये क्या है, अनस्पेसिफिक है. अगर द यूज कर रहे हैं देन कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, देन हम द यूज करते हैं. Then English has two type of articles. In English we have a two types of articles. Then first one is definite articles and second one is indefinite article. Then indefinite article क्या है, indefinite article क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे. तो हम लोग का टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं. तो डिफिनाइट आर्टिकल्स इज द वर्ड द, देन हम लोग का क्या है, डिफिनाइट आर्टिकल में हम क्या यूज करते हैं, कौन सा वर्ड द यूज करते हैं, वो है हम लोग का डिफिनाइट आर्टिकल्स. ये देखिए, ये है हम लोग का द वर्ड द, अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये हम लोग का इनडिफिनाइट आर्टिकल डिफिनाइट आर्टिकल्स है. और ए अगर हम यूज करते हैं तो इनडिफिनाइट आर्टिकल्स आता है. देन इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू वन पार्टिकुलर थिंग. तो इसमें क्या है, हम लोग को मीनिंग बता रहे कि ये एक पार्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा है, ये एक पार्टिकुलर नाउन के बारे में हम लोग को बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स माइट आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड. देन यहाँ पे क्या है, वो उसका फ्रेंड क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड. वो पार्टी जो डिफिनाइट ये में आता है, पार्टिकुलर पार्टी है, उसके बारे में ये बता रहा है. द डिफिनाइट आर्टिकल टेल यू दैट योर फ्रेंड इज रिफरिंग टू ए स्पेसिफिक पार्टी दैट बोथ ऑफ यू नो अबाउट. देन इसमें क्या है, द अगर यूज किया है तो एक स्पेसिफिक पार्टी के बारे में जानते हैं या पार्टिकुलर पार्टी के बारे में बता रहा है जो कि उसका फ्रेंड और वो अच्छी तरह से जानते हैं उसके बारे में. ओके, देन यहाँ पे ये देख लेंगे. ओके, देन यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि ये एक पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पार्टी के बारे में बता रहा है. द डिफिनाइट आर्टिकल्स कैन बी यूज विथ सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन. तो हम लोग क्या है, डिफिनाइट आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में भी हम यूज कर सकते हैं. तो बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ द डिफिनाइट आर्टिकल द यूज इन कॉन्टेस्ट. तो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का डिफिनाइट आर्टिकल्स. प्लीज गिव मी द हमर्स. देन यहाँ पे क्या है, हमर्स के बारे में दिया हुआ है. देन द हम लोग यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक हमर्स के बारे में बता रहे हैं. प्लीज गिव मी द रेड हमर, द ब्लू वन इज टू स्मॉल. देन यहाँ पे भी क्या है, एकदम स्पेसिफिक और पार्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे, कलर को भी डिस्क्राइब करके बता रहे हैं द. देन प्लीज गिव मी द नेल. और यहाँ पे भी नेल के बारे में भी एकदम स्पेसिफिक नेल के बारे में दिखा रहा है. देन प्लीज गिव मी द लार्ज नेल, इट्स द ओनली वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दिस पेंटिंग. तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या है, द और ये भी द ओनली वन स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड दिस पेंटिंग. ओके, देन उसके बारे में स्पेसिफिक नेल के बारे में यहाँ पे बता रहा है. देन प्लीज गिव मी द हामर्स एंड द नेल. तो यहाँ पे भी क्या है, द हामर्स एंड द नेल, हम लोग का क्या है, एक स्पेसिफिक हामर्स और स्पेसिफिक नेल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है या स्पेसिफिक नाउन के बारे में बता रहा है. तो देखेंगे हम लोग इनडिफिनाइट आर्टिकल कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे वो यूज करते हैं.
द इनडिफिनाइट आर्टिकल टेकन टू फॉर्म. ओके, इनडिफिनाइट आर्टिकल क्या है, टू फॉर्म में आता है वो. इट शो द वर्ड ए वन इज प्रेसेड ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट. तो हम लोग का क्या है, एक ए होता है इनडिफिनाइट में और दूसरा क्या है आन होता है. द ए कहाँ पे हम यूज करेंगे, जो भी कंसोनेंट वाला वर्ड आता है, बिगनिंग होता है कंसोनेंट से, उसी वर्ड को हम लोग उसके आगे में अगर हम डालेंगे नाउन को तो ए हम लोग यूज करेंगे वहाँ. अगर वो कंसोनेंट नहीं है होके भावल में होता है वो वर्ड या नाउन, देन हम उसके आगे में कौन सा आर्टिकल डालेंगे, आन डालेंगे, इनडिफिनाइट आर्टिकल आन. देन इट्स इट द वर्ड आन वन इट प्रेसेड ए वर्ड दैट बिगिन विथ ए भावल. ओके, कोई भी भावल से अगर शुरू होता है वर्ड या नाउन तो उसे हम क्या है आन डाल के वो आर्टिकल, इनडिफिनाइट आर्टिकल वहाँ पे यूज करेंगे. द इनडिफिनाइट आर्टिकल इंडिकेट दैट ए नाउन रिफर टू ए जनरल आइडिया रेदर देन ए पार्टिकुलर थिंग. ओके, देन यहाँ पे क्या है, एक जनरल आइडिया को बताता है और पार्टिकुलर थिंग को भी हमें दर्शाता है अगर हम यूज करेंगे इनडिफिनाइट आर्टिकल तो. ओके, देन फॉर एग्जाम्पल यू माइट आस्क योर फ्रेंड शुड आई ब्रिंग ए गिफ्ट टू द पार्टी. देन यहाँ पे क्या है, ये एक गिफ्ट हो गया, एक गिफ्ट मीन्स एक कॉमन कोई भी गिफ्ट हो सकता है वो स्पेसिफिक पार्टी के लिए, वो पार्टिकुलर पार्टी के लिए वो ये करना चाहते हैं. Then your friend will understand that you are not asking about a specific type of gift or a specific item. तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये कोई भी specific type of gift और item के बारे में नहीं बता रहे हैं. अगर हम the gift बोलते तो कोई भी specific gift या कोई भी specific item के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं. Okay, then I am going to bring an apple pie. देन यहाँ पे भी क्या है, आन एप्पल, हम लोग का ए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, भावेल हो जाता है यहाँ पे, इसलिए इनडिफिनाइट आर्टिकल हम लोग का क्या आ गया, अन आ गया. ठीक है, तो अन एप्पल पाए योर फ्रेंड टेल यू अगेन द इनडिफिनाइट आर्टिकल इंडिकेट दैट सी इज नॉट टेकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक एप्पल पाए. ओके, देन यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया कि ये इनडिफिनाइट आर्टिकल्स यूज कर रहा है, दैट मीन्स ये एक स्पेसिफिक एप्पल पाई के बारे में नहीं बता रहे, कोई भी एप्पल पाई के बारे में बता रहे, एनी टाइप ऑफ एप्पल पाई. देन योर फ्रेंड प्रोबेबली डोज नॉट इवन हैव एनी पाई वेट. देन यहाँ पे क्या है, हमारा जो फ्रेंड है वो समझ जाएंगे कि हम कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बता रहे, कोई भी इनडिफिनाइट टाइप ऑफ चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, देन आइडेंटिफाई इनडिफिनाइट आर्टिकल्स ओनली अपीयर विद सिंगुलर नाउन. तो यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर नाउन में ये अपीयर होता है. देन कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इनडिफिनाइट आर्टिकल यूज इन कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ये कौन कौन सा ये में आता है, ये सिंगुलर नाउन में अपीयर होता है. देखे थे, ओके, प्लीज हैंड मी ए बैग, ए बुक, एनी बुक विल डू. देन ए बुक से क्या है, कोई भी बुक हम लोग रिफर कर सकते हैं इसमें, कोई भी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक बुक के बारे में इसमें डिस्क्राइब नहीं किया है. देन प्लीज हैंड मी आन ऑटोबायोग्राफी. देन आन क्या, क्यों आ गया हम लोग का, ये हम लोग का भावेल है इसलिए हम लोग का आन आ गया. देन ऑटोबायोग्राफी, एनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता रहे हैं, ये स्पेसिफिक ऑटोबायोग्राफी के बारे में नहीं बता रहे हैं. ओके, देन यहाँ तक हो गया. हम लोग ए और आन कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करने हैं, इसके बारे में हम कल देखेंगे डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में. देन आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएंगे, अच्छा ना भी लगे तब भी कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपने वीडियो में. और दूसरा ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट के लिए भी और जो भी एस्पिरेंट है कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, देन उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुँचे और सबको थोड़ा बहुत इसका ज्ञान मिल सके. और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.